राम राम, जय श्री राम। बाबा सादगी के चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन है। अपने अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए कितनी बेताब हैं, क्योंकि इन मुर्गियों को अलग रखा गया है और उनके बॉयफ्रेंड्स को अलग रखा गया है। प्रेम में बहुत ताकत है, चाहे वो किसी पक्षी से हो, किसी जानवर से हो, या मानव से हो, या फिर अपने आराध्य से हो। प्रेम प्रेम है और मेरे लिए प्रेम पूजा है। आज घर में नहीं हूँ, नहा धो लिया है और बाहर निकल चुका हूँ। इसको मैं कल लोड करूँगा, क्योंकि कल मैं नहाऊँगा नहीं। और कैसा लग रहा हूँ, हैंडसम लग रहा हूँ या नहीं लग रहा हूँ? और लगूँ हैंडसम में महाराज, यो चसम लीजिए, 25 साल इंतजार को हो महाराज, 25 साल तक अगर अपनी इच्छाओं को मारो, वक्त बाद थोड़ा थोड़ा डबल जम जम की तब जाबे चसम ले हो महाराज। हमें अपनी इच्छाओं का गला घोटना आना चाहिए। इच्छाओं का क्या है, मुफ्त की हैं, बढ़ती चली जाती हैं। जिंदगी का तजुर्बा खुद करके भी आता है, दूसरे को देख के और किसी की बात को मान के। जितना आप अपनी इच्छाओं को मारेंगे, उतना ही आपके जीवन में आनंद आएगा। और मैं कोई रईस आदमी नहीं हूँ। आपको लगता होगा कि अभी यहाँ जा रहा है, वहाँ जा रहा है, असामी है। जी नहीं, इसका इस्तेमाल करता हूँ। लिमिटेड कपड़े खरीदता हूँ, कोई शौक नहीं कपड़ों का। कपड़े में क्या रखा है, वो धोखा है। आप देखेंगे इन्हीं कपड़ों के अंदर में मैं कई वीडियो बना चुका हूँ। हाँ, जब लगता है कोई फंक्शन है, जाना पड़ेगा, मजबूरी है, उस वक्त मैं खरीदता हूँ, वो भी एक। और इस प्रकार से मैं अपने जो मेरे ये वीडियो बनाने के लिए निकलता हूँ, उस पैसे के लिए वो पैसा बचाता हूँ। इसकी टोना है, लेकिन प्रभु दरबार में जाने का जो आनंद है, मैं उससे पीछे नहीं हटता हूँ। अभी अगले महीने घर में ही रहूँगा, और अभी तो मेरे को दिन ज़्यादा वीडियो डाल दिया है, अब नहीं डालूँगा। उसके बाद धीरे 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 पूरा एक महीना निकालूँगा, सवा महीना, डेढ़ महीना, इतने वीडियो में बना के यहाँ से जाऊँगा, क्योंकि मुझे अपनी जेब को बैलेंस करना है। और उसके बाद सोचूंगा आगे क्या होता है। तो मैं जो वीडियो बनाता हूँ, मैं किसी के एंटरटेनमेंट के लिए वीडियो नहीं बनाता हूँ। मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ, ना ही मुझे ये चाह है कि मुझे इससे पैसा मिलेगा। मिलेगा मिलेगा, नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा। तो मित्रों, इच्छाओं को मारना सीखिए, नहीं तो हमें क्या चाहिए? हमें तो हर चीज़ चाहिए। जिसके पास है उसकी नकल मत कीजिए। आप देखिए आप कितना कमाते हैं, आपके ऊपर क्या क्या जिम्मेवारियां हैं, उन्हें देख के आप आगे बढ़िए। आपके जीवन में सुख ही सुख, आनंद ही आनंद। घर के आमों का सवाल लिया जाएगा यदि ये पक गए तो। अभी ये घास बिछा दी गई है, आम रख दिए गए हैं धूप में, जिससे घास का और आम का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। इसके बाद क्या होगा वो बाद में बताऊंगा। इसको खाने का आनंद कुछ और ही होता है, क्योंकि इसमें मसाला नहीं डाला जाता है, बल्कि इसको इसी प्रकार की घास से ढक दिया जाएगा। और ये अमखौड़ बनाए जा रहे हैं। कल शाम भाई, दोनों भाइयों ने और बारी ने जो है मेहनत की, और ये अमखौड़ तैयार किए गए हैं। अभी ये इतने दिख रहे हैं, ये इतने हो जाएंगे। इसे कहेंगे हम मेहनत का फल खट्टा होता है। पेड़ का साइज देखिए, और इसमें जो है बैगन लगा हुए है। ये कोई बॉन्साई नहीं है, और ये दूसरे पेड़ में भी लगा हुआ है बैगन। शुरू हो जाए।
और ये अरबी निकाली जा रही है, माल बिका नहीं, और ये गोदाम है, यहाँ दफन कर दिया गया, छुपा दिया गया उसको स्टोर के अंदर में। ये है उत्तराखंड का लाल आलू, ये बहुत स्वादिष्ट होता है। उत्तराखंड का आलू आपको मैदानी इलाकों में मिल सकता है, इसमें ये जो है प्रोटीन युक्त है। तो आज रात को शिमला मिर्च आलू की सब्जी बनाई जाएगी। बहू हमारी गई है अभी बकरी चराने के लिए, तो छोटा भाई जो है उनकी मदद करने के लिए सब्जी काट के तैयार कर रहा है। अभी हम सब एक साथ बैठ के रात्रि का भोजन करेंगे। पहले पूरा परिवार एक साथ बैठ के भोजन किया करता था, किंतु समय के साथ साथ वो नियम भी ख़त्म हो गए। हमने तो वो आनंद लिया है जब सारा परिवार एक साथ बैठ के खाया करता था। क्या आपने भी वो आनंद लिया है? सुबह के 5:07 हुए हैं और आसमान में बादल छाए हुए हैं। पूरे उत्तराखंड की निगाहें बारिश पर हैं, विशेषकर मेरे सल्ट पट्टी की। यदि बारिश नहीं हुई तो जो फसल अभी बोई गई है मिर्च की और अन्य बेले हैं, तो ऐसा लगता है जैसे जो हमारा जो नेचर हो गया है उसको देखते हुए मौसम ने भी अपना जो है मूड जो है बदल लिया है। ना जाने क्या होगा, जो होगा वो अच्छे के लिए होगा। और ये हमारी गंदी चाय आ गई है, यानी कि बैड टी। हमारी बहू पानी लेने के लिए जा रही है, वो है पीने का पानी। जो घर में सप्लाई आती है उसे नहीं पीते हैं, बल्कि जो प्राकृतिक स्रोत है और हमारे यहाँ नेचुरल मिनरल वाटर सोर्स है, तो वहाँ जा रहे हैं। अब देखिए, आप यहाँ हमारा घर है, वो आप घर देख रहे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, इस घर के आगे जाके है वो स्रोत। ये 20 किलो का वजन आप मान लीजिए इसको, एक अंदाजे से, ज़्यादा भी हो सकता है, थोड़ा कम भी हो सकता है। जहाँ पे हम अपना खाली वजन यानी कि अपना शरीर लेके नहीं चल सकते हैं वहाँ पे, और ये रोज की दिनचर्या है। लंगूरों का आतंक फसल को बर्बाद करने में, फलों को बर्बाद करने में, ये भी एक बहुत बड़ी परेशानी है। ये है हमारे बड़े मामा जी का पुराना मकान, जहाँ पर मैं 47 साल पहले आया था, और इसके आगे जाके है वो प्राकृतिक पानी का स्रोत। कैदी, उनको मालूम है समय हो गया है छूटने का, तो ये है गौठाला यानी कि गौशाला, ये है बकरीशाला। चलो चलो चलो, चल। आय का स्रोत और भी अन्य साधन हैं, लेकिन एक साथ कई काम करने से आय बढ़ती है। किसी को तो पहल करनी होगी, कुछ प्यार से, कुछ गुस्से से। और बहू उतर गई है नीचे उनकी देखभाल करने के लिए और घास काटने के लिए। बहुत मेहनत करनी पड़ती है और रात को नींद अच्छी आती है, कोई शुगर नहीं, कोई ब्लड प्रेशर नहीं। यही है हमारे उत्तराखंड की दिनचर्या। हम सभी प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, बरसो बरसो बरसो। आज गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड सब साथ में हैं और आज ये दोनों के दोनों बहुत प्रसन्न होंगे। यह है आपसी सहयोग। इस प्रकार से कार्य करने से थकान कम होती है, मियां बीवी के संबंध प्रगाढ़ होते हैं,
और प्रेम बढ़ता है। ये हमें ही नहीं सभी पुरुषों को अपनी पत्नी का सहयोग करना चाहिए। साथ के मौसम में जब जंगल जाना नहीं होता है उसके लिए घास और लकड़ी स्टोर की गई है। ओखल अभी इसका उपयोग पहले की तरह नहीं किया जाता है, फिर भी खेत में जो धनिया हल्दी होती है उसे इसी में कूटा जाता है फिर छाना जाता है। और यह है आपसी सहयोग। बहू गई हुई हैं बकरी चराने के लिए घास लेने के लिए और भाई छोटा भाई जो है यहाँ घर में भी फ्री है और फिर अब जो है वो रोटी पकाने का कार्य कर रहा है। जितना आप सहयोग करेंगे उतना समय बचेगा, पत्नी आपके पास रहेगी और प्रेम बढ़ेगा। यह है इसका नाम है ठेकी, द ठेक यानी के दही जमाने वाला बर्तन। ये है रॉड छा फानने के लिए यानी कि जब दही को मथेंगे। ये बांस के बम्बू को फाड़ कर इस प्रकार से बनाया जाता है। अब इससे क्या है दही मथी जाएगी उससे मक्खन निकलेगा। किस प्रकार से कार्य करता है वो दिखाया जा रहा है। तो ये एक यहाँ ऊपर बांधा जाता है, दूसरा हिस्सा नीचे बांधा जाता है और इस प्रकार से दही को बिलोया जाता है। ये सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल दिया जा रहा है। मक्खन निकालने के बाद जो शेष रहेगा उसे यहाँ कहते हैं छा यानी के मट्ठा। और ये एक पहाड़ी डॉगी किसका है हम जानते नहीं, लेकिन ये हमारे पास आया। हमने इसे बिस्कुट दिया खाने को और हमने थोड़ा थका हुआ है बैठने के लिए कहा तो ये बैठ गया और इसके लिए तस्तरी में पानी रख दिया गया है। भाई ने पहले एक डॉगी पाला था जिसको बाघ ले गया है। इसे पालने से एक खतरा बढ़ता है घर में बाघ आने का। और अगर आप भोटिया कुत्ता पालेंगे, अगर आपने दो पाल लिए तो बड़े बड़े बाघ की भी हिम्मत नहीं होगी कि वो घर में झांक जाए। धन्यवाद। जय श्री राम। जय देवभूमि उत्तराखंड। भारत माता की जय। जय हिंद।